फ्रेंड्स, इस वीडियो पे हम लोग लिब्रा ऑफिस कैल्क पे नेम्स को अलग करना सीखेंगे। सिर्फ नेम ही नहीं, आप किसी भी टेक्स्ट को अलग कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए, मैंने 5 डिफरेंट एग्जांपल्स लिया है, एक एक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो पहला एग्जांपल चलिए देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है अंकित कुमार। ओके, सो यहाँ पर देखिए, अंकित जो है यह है फर्स्ट नेम और कुमार जो है दोस्तों लास्ट नेम। ओके, अब इन दोनों को मैं अलग करना चाह रहा हूँ, तो मैं पहले इस सेल को सिलेक्ट कर लूँगा, डेटा पे चला जाऊंगा और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा टेक्स्ट टू कॉलम्स। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा टेक्स्ट टू कॉलम्स का, और यहाँ पर आप देख पाएंगे सेपरेटर ऑप्शंस, और यहाँ पर देखिए सेपरेटेड बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूँगा स्पेस। तो स्पेस को मैंने चेक कर दिया, तो यहाँ पर आप रिव्यू देख पाएंगे अंकित कुमार। ओके, जहाँ पर स्पेस था वहाँ से देखिए दोनों अलग हो गया। अब मैं ओके कर दूंगा, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे बी कॉलम पे अंकित रह गया और सी कॉलम पे कुमार आ गया। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर अंकित कुमार जाना, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे तीनों वार्ड है और यहाँ पर बीच में हम लोगों ने स्पेस यूज किया है, तो इसको मैं अलग करना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए सेल सिलेक्टेड है, डेटा पे चला जाऊँगा और टेक्स्ट टू कॉलम्स सेपरेटेड बाई स्पेस रहने दे, और यहाँ पर आप रिव्यू देख सकते हैं अंकित कुमार जाना, और ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे बी कॉलम पे अंकित रहेगा, सी कॉलम पे कुमार आ गया और डी कॉलम पे जाना आ गया। ओके, नेक्स्ट देखिए आशीष, दीक्षा और नेहा, तीनों अलग अलग नेम हैं, इनको मैं अलग करना चाह रहा हूँ। ओके, यहाँ पर कॉमा भी यूज हुआ है और स्पेस भी यूज हुआ है। तो देखिए मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लूँगा, डेटा ऑप्शन पे चला जाऊंगा, टेक्स्ट टू कॉलम्स। तो यहाँ पर आप रिव्यू देख पाएंगे, एक कॉलम पे है आशीष कॉमा दीक्षा और दूसरे कॉलम पे है नेहा। तो जहाँ पर देखिए स्पेस था वहाँ से अलग हो गया, दीक्षा और नेहा के बीच में स्पेस था, तो देखिए दोनों अलग हो गया। बट यहाँ पर मैंने कॉमा को सिलेक्ट नहीं किया है, जैसे मैं कॉमा को चेक कर दूंगा यहाँ पर आप देख पाएंगे तीनों अलग हो जाएगा, आशीष दीक्षा नेहा। मतलब यहाँ पर कॉमा से भी सेपरेट हो रहा है और स्पेस से भी सेपरेट हो रहा है। अगर आप सिर्फ कॉमा को सिलेक्ट करेंगे और स्पेस को अनचेक कर देंगे, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आशीष अलग कॉलम पे है, दीक्षा और नेहा और एक कॉलम पे है। अगर मैं स्पेस को चेक कर दूंगा, तो यहाँ पर कॉमा से भी अलग हो रहा है और स्पेस से भी अलग हो रहा है। तो यहाँ पर आप मल्टीपल सेपरेटर्स को एक ही साथ यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद मैं ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आशीष बी कॉलम पे है, सी कॉलम पे है दीक्षा और डी कॉलम पे है नेहा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एक ईमेल आईडी का, vikas@123.com। ओके, अब एट द रेट से मैं अलग करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस सेल को सिलेक्ट किया, डेटा पे चला जाऊँगा, टेक्स्ट टू कॉलम्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे सेपरेटेड बाई पे कहीं पर भी आपको एट द रेट नहीं मिलेगा। ओके, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर मैं अदर को चेक कर दूंगा, इनको मैं अनचेक कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एट द रेट ले लूँगा और ओके कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने ओके किया, तो यहाँ से आप देख पाएंगे विकास और 123.com दोनों अलग हो गया, जहाँ पर एट द रेट था। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, अंकित कुमार जाना। ओके, सो यहाँ पर आप देख पाएंगे इन वर्ड्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पर कोई कॉमा भी नहीं यूज हुआ है, तो मैं किस तरीके से इनको अलग कर सकता हूँ। तो इनको मैं सिलेक्ट किया, डेटा पे चला जाऊँगा, टेक्स्ट टू कॉलम्स। इसके बाद देखिए सेपरेटर ऑप्शन में सेपरेटेड बाई सिलेक्टेड था, इसके जगह पर मैं सिलेक्ट कर लूँगा फिक्स्ड विथ। ओके, अब कर्सर को देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं लाऊंगा, तो यहाँ पर आप एक ब्लैक कलर की यहाँ पर आप वर्टिकल लाइन देख पा रहे हैं, तो यहाँ से देखिए आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। सो अंकित के और कुमार के बीच में यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा, सो यहाँ पर एक सेपरेट हो जाएगा, और कुमार और जाना के बीच में देखिए यहाँ पर मैं सेपरेट कर लूँगा। सो देखिए दोनों जगह से सेपरेट हो गया, अब मैं ओके कर दूंगा। सो जैसे ही मैं ओके किया, यहाँ पर आप देख पाएंगे अंकित बी कॉलम पे रह गया, कुमार सी कॉलम पे आ गया और जाना डी कॉलम पे आ गया। तो तीनों को हम लोगों ने सही तरीके से सेपरेट कर लिया है। तो इस तरीके से हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम्स का यूज कर सकते हैं टेक्स्ट या किसी नेम को सेपरेट करने के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।